अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अब्दुल समद आपको हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप फ्रेश तरोताज़ा पुरसकून होंगे। और आज अल्लाह से दुआ है इस कायनात की क्रिएटर से ये दुआ है कि आप रोज़ बरोज़ अपने दुनिया में बेहतरी से बेहतर होते जाएंगे और बेहतरी लाते जाएंगे, और आपकी वजह से माहौल जो है वो बदलते जाएंगे, और ये बिल्कुल मुमकिन है, पॉसिबल है, और बिल्कुल मुमकिन है, अल्लाह ताला ने मुमकिन बना दी है। आप साथ साथ हमें कॉल करेंगे और हम बात करेंगे इस पे कि आज का जो मौजू है समदा हीलिंग एनर्जी के रोज़मर्रा ज़िंदगी में अहमियत कितना है। समदा हीलिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम, हीलिंग का सिस्टम है जो हमारे बिहेवियर को भी बेहतर करते हैं, हमें स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन जैसे बीमारियों से निजात दिलाते हैं, नफसियाती बीमारियाँ जितने भी जिस्मानी तकालीफ जो है जिसकी वजह से हमारे बिहेवियर ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन आ जाते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस ख़राब होते हैं और हमारे जीन्स में वीकनेस आ जाते हैं जो हमारे नस्लों में भी जाते हैं, और ये गंभीर बीमारियां जो है ये हमारा फ़र्ज़ बनता है एज़ आ एक ऐसी शख्स जो अबद की ज़िंदगी पे भी उनको यकीन है। तो फिर उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने फिट रहना है, ताकतवर रहना है, पावरफुल रहना है, ताकि अदर्स के अच्छे देख बहाल कर सकें, आइंदा नस्ल के, अपने इर्द गिर्द के, अपने अपने लोगों के, अपने बहन भाइयों के, अपने हस्बैंड बीवी और अपने माँ बाप, अपने तमाम लोगों के जो इर्द गिर्द होते हैं उनके अच्छे देख बहाल कर सकें और उनको अखलाक सिखा सकें, उनको अच्छे बिहेवियर सिखा सकें, अच्छी तरबियत दे सकें, अच्छी तालीम दिला सकें, अच्छा इलम, अच्छे बेहतरीन से इलम अल्लाह ताला उनको अता कर सकें। इसी तरह क्योंकि ज़रूरी है, हमें एक पावर, एक एनर्जी, एक ताकत की ज़रूरत है हमें, जो नेचर हमें देता है, जो अल्लाह ने नेचर में डाले, कायनात जो जिसमें हम रह रहे मछली की तरह तैर रहे, उनकी ज़रूरत है आज हमें, और अहम तरीन ज़रूरत है इस चीज़ की। तो ये हीलिंग सिस्टम है, और हीलिंग सिस्टम जो है जिसे वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हीलिंग सिस्टम कहते हैं समदा, इसी पे हम बात करेंगे कि समदा हीलिंग एनर्जी, समदा हीलिंग सिस्टम, समदा के जो समदा इलाज का तरीका कैसा है और इसकी अहमियत एक बच्चे के, एक जो बच्चे हैं दरमियानी एज के लोग हैं और जो बूढ़े लोग हैं और हर शोबे से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनको कितने अहमियत और कितनी ज़रूरत है इस चीज़ के, इसलिए आज हम इसी पे बात करेंगे। समदा मीन लाइफ एंड हीलिंग पावर, और समदा की जो अहमियत है वो ज़िंदगी में ऐसा है जैसा कि आप एक पानी पीते, खाना खाते, इतनी ज़रूरत होती है इंसान को, इंतहाई आम तरीन ज़रूरियात में से एक ज़रूरत है। एक कॉल होल्ड पे है, आते हैं, बात करते हैं, कॉलर से भी पूछते हैं कि वो समदा के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं पिंडी से बात कर रही हूँ, मैं कासिम सुल्ताना हूँ। मैंने आपकी क्लास अटेंड की है ना? जी जी, कौन सा सुल्ताना? कातिब सुल्ताना जी, कातिब सुल्ताना, कातिब सुल्ताना। यहाँ पर आवाज़ सही नहीं आ रहा है, I'm sorry। तो कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी जो मुझे बता दे प्लीज, नाम तो बताया कर। जी कातिब सुल्ताना जी, क्या कहना चाहती हैं आज के प्रोग्राम में? डॉक्टर साहब, मैंने जितने किए ना मरीजों पे, तो माशाल्लाह से अब वो ठीक है, अब मुझे वो मुबारक दे रहे हैं, तो क्या मुझे दुआएं दे रहे हैं ना कि मेरा बच्चा ठीक हो गया, तो
मैं आपको और भी इससे भी ज्यादा वो करूंगी ना, किसी पे दम किया तो वो एलर्जी खत्म हो गई, उसे पता नहीं कितने आते की एलर्जी थी, एलर्जी खत्म हो गई है। अब एक बच्चा था वो बिल्कुल चल नहीं सकता था ना जी, जी। उसे मैंने दम किया, वो माशाल्लाह से अब वो कदम उठाने शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह कितनी बड़ी बात है। कितनी उम्र है उनके? दस में कर रही हूँ ना, तो वो सारे खुश हैं, कहते हैं आपके इतना दम से वो हो रहा हूँ, तो सारे दम मेरा चल रहा है ना, सारे मुझे मुबारकें और दुआएं दे रहे हैं ना। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप समदा के रोजमर्रा जिंदगी में कितनी अहमियत है आपके नज़र में, कि कितनी अहमियत है इसकी? एक फ़र्द को जो मसाल फिट फाट है, बिल्कुल सही है, क्या उनको भी समदा हीलिंग सिस्टम की ज़रूरत है? हाँ जी, मैं कर रही हूँ सबको, जिसके ऐसे पाँव पाँव आप किसी को, कोई कहता मेरे पाँव हाथ चलते हैं, कोई कहता मेरे पाँव में दर्द है, कोई कहता मेरे टांग में दर्द है, जिस जिसको सर में दर्द है, एक बच्चे को नाक में दर्द था वो से दर्द, वो तो वो कहते मुझे छोड़ ही ना, मेरे बात बात करो, वो जिसको कर रही हूँ माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सबके ठीक हो रहे हैं ना। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अल्लाह आपको और खुशियाँ दे और ताकत अता फरमाए। बस आपकी दुआ है ना, आपने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप पता नहीं कहाँ से हमारे लिए फरिश्ता बन के आ गए, आप हमें बता रहे हैं तो हम तो बहुत, हमारे से जो जो लोग हैं वो राज खुश हैं, तो मैं आपको भी दुआ देती हूँ, आप नमाज के बाद आपके लिए भी दुआ करती हूँ, जो मरीज है ना उसके लिए भी दुआ करती हूँ, कि मैं कहती हूँ अल्लाह ताला इसे ठीक करे कि हमारे सारे ऐसे ही बन जाए ना, हमें कहें कि हम बाकी आप लोग ने कुछ सीखा है और कोई हमारे पे दम किया है, हमें दुआएं दे रहे हैं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको और खुश करे। मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, मैंने कहा ये वो मुझे कहते हैं मैं आपको हदिया देती हूँ ना, तो फिर मैं कह रही हूँ आपसे मैं इजाजत लूँ कि मुझे हदिया कोई दे तो मैं लूँ हदिया? हाँ, कोई मसला नहीं है। देखिये, लोग लाखों करोड़ों पैसे खर्च करते हैं एक बीमारी के लिए ना जी, तो अगर आपको अगर कोई शख्स कुछ देते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आपने खुद भी अगर फीस लेने हैं तो आपका भी टाइम है, आपके भी अहमियत है, और आपके भी पैसे तो कागजों से नहीं बनते हैं, जाहिर है लोगों ने दे। अब देखिए, हम अगर ये एक लेवल को तकरीबन अगर हम 1 लाख कभी करेंगे एक लेवल, तो 4 लेवल अगर 4 लाख कभी करेंगे तो लोग मजबूर सीखेंगे ना। लेकिन हम 5-स्टार होटल में बावजूद रखते हुए हमने सिर्फ कभी 6,000 रुपये या कभी 8,000 रुपये कितना है वो लिए, तो बात ये है क्योंकि हम नहीं चाहते। अगर यही लोग जो है मामूली चीज़ों के पैसे 25,000, 30,000, 40,000, 1 लाख रखते हैं, लगता 2 लाख रुपए, और वो भी 1 या 2 दिन का होते हैं उनके वर्कशॉप। अच्छा, वो क्या होता है, वो मामूली सी चीज़ें होते हैं उसकी कोई चीज़ हमारे, तो इसलिए हमने वहाँ पर रखते हैं ताकि लोग आ सके वहीं पे और उनको एनवायरनमेंट भी मिले। बीमार होते हैं अगर उनको एसी नहीं है, बीमार बेचारा कहाँ से हम गर्मी में बिठा सकते हैं, अगर उनको बाकी सहूलियात नहीं है, उनको खाने पीने के और बाकी चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो हम कहाँ उस तरह बीमार बेचारे को किसी को बिठा सकते हैं। तो इसलिए हम 5-स्टार होटल में रखते हैं, जो तमाम सहूलियात, एक पेशेंट जो आते हैं, कोई शख्स परेशान हो के लोग आते हैं, परेशानी होती है, किसी को नफ्सियाती मसला है, किसी को क्या मसला है, तो हमने यानी नॉन प्रॉफिट रखे हैं, जो कि हमें इसमें तो कोई प्रॉफिट तो है नहीं कि हम मकसद उससे गए, तो इसलिए जो भी आती है इसी रास्ते में खर्च हो जाते हैं। हमने इसलिए 5-स्टार होटल में रखे ताकि लोग आ सके, इजी वहाँ बैठ सके, तमाम सहूलियात उनको मिल सके, उनके देखभाल हो सके, उनके अच्छा क्या हो सके। तो इसी तरह अगर आप टाइम देते हैं लोगों को, तो टाइम का आपकी कीमत है, ठीक है, टाइम देते हैं अगर उनको मकसद है तो आपकी अपनी मर्जी। ऐसे स्टूडेंट भी है जो कि वाकई वो ऐसे स्टूडेंट है जो कि 50,000 से 1 लाख रुपए पर बीमारी लेते हैं, बीमारी ठीक हो गए उनको कहते हैं कि मैं इसके मैंने बैक गारंटी देता हूँ, बीमारी ठीक हो गई
तो पैसे मेरे बीमारी नहीं ठीक हुए, पैसे आपके वापस ले। ऐसा भी स्टूडेंट्स है। अच्छा। बिल्कुल, हमारे ये समदा के स्टूडेंट्स है, कराची में भी है, लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, इतने इतने पैसे लेते। तो बात ये है कि आपको डिपेंड करता है किसी स्टूडेंट पे। मैं खुद नहीं लेता हूँ, मैं ऐसा मैं नहीं कर सकता, वरना मैं भी कर लेता, अभी अरबों खरबों पैसे मैं इसी से कमा लेता, तो मैं भी कर लेता, ऐसा मैं भी कर सकता था, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। मैं फाइव स्टार होटल में लोगों के लिए बुलाता हूँ, वहीं पे रखता हूँ सारा कुछ उनके लिए, तो यह तमाम सहूलियात उनके लिए मौजूद हो, जो उनके आते हैं वो खर्च हो जाते हैं, और तमाम किस्म की सहूलियात। फिर एक दिन का नहीं होता है, दो दिन का सेशन होते हैं। तो इसी तरह अगर अगले लेवल उन्होंने करनी है तो वो फिर तीन चार दिन पे चले जाते हैं। तो बात ये है कि हम आप जो भी जो वो फंड्स आप इकट्ठा करती हैं, अगर आप चाहती हैं तो उसी रास्ते में भी जा सकते हैं, जैसे आप बेहतर समझती हैं। अगर वो आपके कंट्रीब्यूट करें, आपके साथ हेल्प करें, तो वो हेल्प में लोगों को क्यों शामिल नहीं करनी है आपने? अगर आप अच्छा काम समझती है ये, तो लोगों को हेल्प में शामिल करें, लोगों को इस आपके साथ शामिल होनी चाहिए, आपको साथ देनी चाहिए। तो साथ देने का क्या होता है, कोई 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 चीज़ फंड्स आपको देते हैं, कोई कोई आपको पैसे देते हैं, कोई कुछ और देते हैं, कोई कोई और हेल्प करते हैं आपके साथ। यही तो है, इंसान इस दुनिया में एक दूसरे के साथ है, और एक दूसरे के हेल्प इंसान को अल्लाह ने फरमाया कि आप दूसरों के साथ दें, दूसरों को जो है ना अहमियत दो, इंसान को अहमियत दो, तरजीह दो, बशर है। तो इसी तरह अगर आपके साथ कोई शामिल है तो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, और देखिए ये इबादत भी है और एक अच्छा बेहतरीन काम भी है। किसी के दर्द दुख अगर दूर होता है, जिस तरह आप बच्चे के बता रहे हैं कि बच्चा चल पड़ा बिस्तर पे पड़ा हुआ, कितना अरसे से था उसके? 2 साल हो गए, वो जमीन चारपाई पे पड़ा, उठ ही नहीं सकता था। डॉक्टर, इतनी उसकी तकलीफ थी ना कि वो चीखें उसकी निकलती थी। प्रॉब्लम क्या था? तो वो बैठ भी गया, और बैठने के बावजूद माँ ने उठाया ना तो कदम, कह रही है एक दो उठाया तो मुझे उसी वक्त फोन किया, बाजी मुबारक हो, आपकी वजह से मेरे बच्चे चल पड़ा, अब देखें जरा और भी चले तो फिर मैंने आपको जितने बन सके मैं आपको दूंगी। मैंने उसे कहा, मैंने कहा मैं अभी कुछ भी नहीं देती हूँ ना। तो मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि उन पे कम से कम 1 लाख लाखों पैसे तो खर्च हुए होंगे। हाँ जी, होंगे होंगे, क्योर नहीं हुए होंगे ना। जी जी जी। तो यही बात है, अगर इसी तरह के है बच्चों के प्रॉब्लम्स है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम, 5,000 या 500, मैं तो 500 तक कह रही थी, मैंने कहा सर 500 भी कोई दे ना तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप जो देखिए, आप वो आपकी मर्जी है। जी। आपकी मर्जी है, आप जैसा भी आप खुद जो जो मर्जी आप ले सकती है, अगर खुशी से कोई दें तो ठीक है, नहीं तो आप फीस भी रख सकती है, आपकी अपनी मर्जी है। क्योंकि आप जैसे भी स्टूडेंट को चाहिए, जो स्टूडेंट, मैं तो उसको भी मना नहीं किया कि वो कहते कि 1 लाख रुपये जो लेते हैं, मैंने मना नहीं किया, उसकी अपनी मर्जी है, समदा सीखा है और बस उनके अपनी मर्जी है। इस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हेल्प करनी चाहिए, हमारे जिल साइंसेस के हेल्प करनी चाहिए लोग, और जिल साइंसेस में अभी हम ट्रस्ट जो है वो भी रजिस्टर करवा रहे हैं, तो वो वेलफेयर ट्रस्ट होंगे, तो अदर्स की खदमात करेंगे, खदमतें करेंगे। ज़रूरी है कि लोग हमारे साथ दें। Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at 11 p.m. Budh aur hafte ko raat 1 baje aur baaki dinon mein raat 11 baje repeat honge. Karachi, Pindi, Islamabad aur Lahore mein humse rabta karein. Aur kudrati tarike se apna ilaaj kare jiski koi muzir asraat nahi hai. By our most powerful healing energy Samda and our most successful formula HMN.
अल्लाह ताला ने ऐसे जस्मानी और नफ्सियाती बीमारियों का इलाज किया और ऐसे मसाइल का हल किया जो दुनिया हैरान है। मेरे तजर्बात तहकीकात और तहरीरों से भी आप मुस्तफीद हो सकते हैं। डिप्रेशन का जदीद तरीके इलाज, समदा हीलिंग एनर्जी, मावराए उलूम का खुलासा और अमल, शिफाए तवानाई की पोशीदा दुनिया और जिल्द साइंसेस। फाइंड मी ऑन गूगल, यूट्यूब एंड फेसबुक। कॉन्टेक्ट अस एंड विजिट समदा हीलिंग.com।